एवरीवन वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप सभी अच्छे हो दोस्तों। और अभी टाइम हो रहा है 12:10। दोपहर का टाइम है, लंच टाइम नहीं हुआ, लेकिन हम लोग फिर भी लंच कर रहे हैं। मैंने पुलाव हरी चटनी बनाई है, तो खा रहे हैं यहाँ पे ग्रीन चटनी के साथ में पुलाव। एग्जाम खत्म हो गए तो आज हमने सोचा चलो थोड़ा सा इंजॉय करते हैं, अपनी लाइफ में थोड़ा इंजॉय भी ज़रूरी है। और मैंने अपनी कुर्ती पहनी है ब्लू वाली, और अभी मैं अपने लिए खाना लगा रही हूँ। स्ट्रेटनर मैंने गर्म होने के लिए लगा रखा है, थोड़े से बालों को स्ट्रेट करूंगी हल्का सा। और क्योंकि जल्दी खाना खाने का अंदर इनर पहनना है, क्योंकि बीमार चल रही हूँ कुछ दिनों से। और खाना जल्दी खाने का रीज़न ये है कि हम लोग बाहर में से ना खाना कम ही खाते हैं, आप लोगों को रीज़न पता ही है ही। तो मैंने सोचा खाना खिला के इनको तब चलते हैं, और फिर अगर कोई स्नैक भी खाएंगे बच्चे तो नुकसान नहीं देगा। और हस्बैंड तो बाहर का खाना बिल्कुल नहीं खिलाते, तो है ना अच्छी ठीक है ना। तो खाना खाओ और उसके बाद चलो, फिर उसके बाद इनको भूख भी कम लगेगी और थोड़ा बहुत तो खा ही सकते हैं बच्चे, है ना। थोड़ा सा बच गया, आई नो कि इस टाइम कम कम खाया जाएगा, लेकिन आने के बाद चाय से थोड़ा थोड़ा खा लेंगे। इवनिंग टी का टाइम रहेगा, थोड़ा सा मैं भी खा लेती हूँ। एग्जाम खत्म हो गया, कैसा लग रहा है अभी? बहुत अच्छा। सक्षम को? बहुत अच्छा। श्रीजा को? मेरे को अच्छा लग रहा है। तो फिर से पढ़ाई शुरू कर दो, चल कर लो एग्जाम की तैयारी। जाना है मेरे को। अरे क्या कर रहे हो, ठीक से बैठो। दिनों के बाद बड़े रिलैक्स माइंड के साथ हम लोग निकले हैं घर से। हाँ बच्चों कैसा लग रहा है? क्या कैसा लग रहा है घूमने जाने में? अच्छा। एग्जाम के बाद कोई चिंता अच्छा। नहीं है अभी, बुक्स आई डी नहीं है ना किसी का। चश्मा पहना, आधार कार्ड अपडेट करवाने कितने होते हैं अभी, कितने टाइम बाद होते हैं करिए। सीधे सबसे ज़्यादा सीधे ही फोटो पूरा नहीं दिखा ना, तो सीधे ही फोटो कितनी छोटी सी दिख रही है ना, उसमें छोटी सी और सक्षम तो बहुत ही छोटी है, छोटा सा है तो इसका अपडेट कराना। मेरे आधार कार्ड में और मेरे मैरिज मैरिज एनिवर्सरी मेरे मैरिज सर्टिफिकेट पर भी थोड़ा सा नाम का डिफरेंस है। जैसे सरनेम का होता है ना, शादी से पहले सरनेम कुछ और होता है, मेरा शर्मा था बीमार लगा था, तो उसकी वजह से मुझे प्रॉब्लम आती है, और आगे जाके ये प्रॉब्लम बच्चों को फेस ना करनी पड़े, तो मैं इसको चेंज करवाना चाहती हूँ। बच्चों को पिक्चर दिखाना है और पीडीएस में, और ये जो पीडीएस है बिल्कुल खटारा हो गया था, अभी तो इसका रिनोवेशन हो रहा है, अब ये स्टार्ट हो जाएगा। कौन सी तारीख से बता देता हूँ आपको, स्टार्ट बता रहे हैं, अब इस बार से स्टार्ट हो जाएगा। उसमें जाना हो गया, और उनके साथ आप मिस सिटी वाइज हो जाते हैं। चलिए खुलकर जीते हैं, सिनेमा हॉल में फिल्म देखते हैं, टीवी आ जाएंगे, बड़ा देखो साथ देखो। मुझे देश की 565 तो क्या मूवी देखी, मूवी अच्छी थी, जो तो अच्छी लगी, ऐसा बहुत ज्यादा एंटरटेनिंग तो नहीं थी, बट वो है ना रियलिटी बेस्ड है मूवी, आर्टिकल 370 बहुत अच्छी लगी है, बहुत सारी चीज़ें बड़ी अच्छी लगी। देश प्रेमी जो देश प्रेमी है ना उनके लिए, वैसे तो सभी है यार, और अभी नहीं हूँ गाँव में तो वहाँ भी खिला रहा, लेकिन उनकी पूर्ति नहीं, वैसे भी एग्ज़ाम ख़त्म हुआ है, मैं सोचू चलो आज की भी पूरी कर देते हैं, कल से फिर से इनको लगा देते हैं ट्यूशन व्यूशन। तो अभी और वहाँ पे यहाँ पे जो टीवीएस मॉल है वो कबाड़ा हो चुका था, अभी फिर से उसका रिनोवेशन हो रहा है, तो फिर से स्टार्ट होने वाला है, मुझे खुशी हुई कि पास में हमारा मॉल फिर से सही हो जाएगा। और वेस्ट साइड में वहाँ पर समर्स की कलेक्शन आई हुई है, इन लोगों ने तो मुझे देखे नहीं थे, लेकिन इंटरेस्ट ले नहीं थे, तो फिर मैं आगे अकेले किसी भी आने कर देती हूँ। कलर बड़े अच्छे अच्छे थे, मज़ेदार कलर, मुझे कलर्स अच्छे लगते हैं, आप लोगों को पता है
किसी दिन हस्बैंड के साथ ट्राई करूँगी एक जगह। पानी सिस्टम से कंट्रोल नहीं हो रहा, इसके ऑलरेडी जितना कुछ खिला पिला दिया मैंने इसको वहाँ भी। चीज़ी वाली ब्रेड जो मुझे बहुत अच्छी लगती है, सब्जियाँ छाटते हुए। मम्मी पापा अच्छा है? ऐसा शुभ अच्छा है। मॉर्निंग का टाइम है और मैं बना रही हूँ ब्रेकफास्ट, और टाइम मुझ पर 9:15 बज गए होंगे। तो सबसे पहले मैंने उठने के बाद सारे कपड़े समेट, 9:10 हो रही है, कपड़े वॉश हो चुके और जो कपड़े प्रेस करने के थे वो भी मैंने प्रेस करके रख दिए। सक्षम उठ गया है, पराठा बना दूँ? ब्रश कर लिया आपने? ओके। मैं बना रही हूँ पनीर का पराठा, ये प्याज चॉप करी है चॉपर में, तो इस बार मैं ये वाला चॉपर लाई थी, देखते हैं ये कैसे मिलता है। बोरोसिल का वो ग्रीन वाला तो दो बार से ख़राब निकल रहा है। इधर आटा लगा के रखा है और सक्षम सिर्फ पनीर डाल के खाता है, उसको सब्जियां नहीं चाहिए होती, तो ये सक्षम का बन रहा है। खाया बार डोमिनोज का बचा हुआ ओरिगैनो चाहिए तुमको, ये खाओ। चिली फ्लेक्स भी है इसमें, तो खाएगी श्रीजा को शौक है ये अटर पटर खाने का हमारे घर में। श्रीजा को तो ओरिगैनो दे दो, चिली फ्लेक्स दे दो। कभी कभी इसको मन करता है मम्मी थोड़ा मिर्ची वाला खाना बना देना, हमारे यहाँ मिर्च लाइट खाई जाती है। तो और हल्का सा ऑयल लगाऊंगी हस्बैंड की, और अपनी जो रोटी बनाऊंगी पनीर की सिर्फ रोटी बनाऊंगी। अभी ये मेरे घर पे चल रहा है मूँगफली का तेल, जो कि मैं शिवरात्रि पर लाई थी, तो पहले उसको फिनिश कर लेते हैं हम। वैसे बच्चों के लिए मैं देसी घी का पराठा बनाती हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ पे घी या ऑयल बहुत कम खाया जाता है, तो मैं सोचती हूँ कि बच्चों को हेल्दी दे दूँ। जो भलाई से घी निकलता है वो भी कभी कभी वो भी काफ़ी पड़ जाता है, बहुत कम होता है कि मुझे मार्केट से घी मंगाना पड़े। अच्छा पराठा रेडी हो गया तुम्हारा, तो ही अच्छा काम कर रहे हैं ना। पापड़ डाला है और प्याज और हरी मिर्च, पनीर और बहुत हल्का नमक डाला है। हम लोग ना नमक बहुत लाइट खाते हैं ब्लड प्रेशर की वजह से, और कुछ दिनों से मेरे को ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम हो भी रही है। तो ये बिल्कुल ऑयल फ्री हस्बैंड की और मेरी रोटी, पराठा तो इसको नहीं बोल सकते ना। फ्रेंड्स अभी है दोपहर का टाइम, लंच हो चुका है। लंच मैंने बनाया था आज मसूर की दाल और राइस। मसूर की दाल ना श्रीजा को बहुत पसंद है ना श्रीजा, तो मैंने सोचा मसूर की दाल गर्मा गर्म बनाती हूँ। और अभी मैं जा रही हूँ कहीं, दोपहर का टाइम है और आज मुझे कहीं जाना है, आपके साथ में शेयर करूँगी। हाँ अच्छी जगह जाना है कहीं, आपको मज़ा आएगा और वो नेक्स्ट ब्लॉग में शेयर करूँगी। और इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करूँगी, ब्लॉग ज़्यादा बड़ा नहीं है। शूज़ पहन रही हूँ, सॉक्स पहन रही हूँ, क्योंकि मुझे कहीं जाना है ज़रूरी काम से। तो फिर मैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में मिलती हूँ दोस्तों, तब तक के लिए बाय बाय। अगर आपको ब्लॉग अच्छा लगा तो लाइक कर देना। और हाँ एक चीज़ मैं आप लोगों को बोलूँगी ना, कल जो मैंने ब्लॉग डाला उसके नीचे इतने अच्छे अच्छे कमेंट आ रहे थे, मैं रात पढ़ रही थी तो सब लोग कह रहे थे शिप्रा ब्लॉग डाला करो, आपको बहुत मिस करते हैं। अच्छा देखो एक रियलिटी बताऊं दोस्तों, एक बार को मेरे दिमाग में आ रहा था यार यूट्यूब के लिए नहीं टाइम निकाल पा रही हूँ, कहीं मैं छोड़ ना दूँ उसको, क्या करूँ क्या नहीं करूँ, बहुत उलझन में थी। लेकिन मैं सच बता रही हूँ, आप लोगों का जो ये प्यार है ना, यही मुझे बार बार यूट्यूब पे खींच लाता है। मुझे नहीं पता देखो मुझे ऐसा नहीं है कि यूट्यूब से बहुत भारी कुछ इनकम होती है या क्या होती है, लेकिन वो जो प्यार आपका मुझे मिलता है और जो आप लोग मुझे कमेंट करते हो ना मेरा दिन बन जाता है। मतलब मैं अपने आप को लक्की समझती हूँ कि कोई मुझे इतना प्यार करता है ना, जो कि सिर्फ मुझे वीडियो में देखता है। वैसे वो यार आजकल ना करंट लग रहा है, मैंने इस पे हाथ लगाया वैसे करंट लगा है, मतलब टैप में करंट नहीं आ रहा, जैसे कि अभी हम कोई चीज़ छू रहे हैं एकदम से ऐसे ऐसे लगेगा। आप लोगों को भी ये फीलिंग हो रही है कि कमेंट करके बताना है ना। सक्षम एक दिन सक्षम खड़ा हुआ था, मैंने सक्षम का ऐसे टच किया और ऐसे करंट लगा है ना सक्षम, तुझे भी लगा था ना उससे। तो हस्बैंड भी शूज पहन रहे हैं, मैं जा रही हूँ बाहर। चलो दोस्तों फिर ब्लॉग को करते हैं एंड, और नेक्स्ट ब्लॉग में मिलते हैं। बाय बाय दोस्तों, लव यू ऑल।